देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे पास कुछ बेसिक लॉज हैं। हम लोग पहले रिकॉल कर ले रहे हैं जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं ना। 10 रूल्स हैं बेसिकली इन टोटल, तो उन रूल्स को पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर सवाल बनाने पर कूदेंगे। सवाल जो अभी हम लोगों को इस वीडियो में कवर करने हैं उनका बहुत ही स्पेसिफिक टाइप होगा। जैसे अगर कभी तुम्हें किसी सवाल में लिख कर ये दिया जाता है विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल सिंप्लीफाई, या फिर विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल लेट्स से LHS में एक भारी भरकम सा तुम्हें एक्सप्रेशन दिखाई देगा, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड यू हैव टू शो इट टू इक्वलेंट टू सम सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, मैथमेटिकल कोई स्टेटमेंट से क्रिएट किया गया एक बहुत ही सिंपल सा एक एक्सप्रेशन होगा तुम्हारे पास। तो उस तरह से अगर कोई सिंप्लीफिकेशन वगैरह अगर करना हुआ तो हम लोग विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल भी कर सकते हैं। जैसे अगर कभी तुम्हारे पास लेट्स से ये चीज़ लिख कर आती है पी और नॉट पी, ऐसा कुछ अगर कभी लिख कर आता है और ये अगर तुमसे कहा जाता है कि भाई इसका सिंप्लीफिकेशन करो, तो अपने को वही चीज़ पता है दिस इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक, वाया कौन सा रूल, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, दिस इज़ वाया कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, दिस इज़ वाया कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो सबसे पहले तो जैसे इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स चीज़, जैसे मान लेते हैं ये जैसे किसी बड़े से एक्सप्रेशन का हिस्सा रहती और हमें सिंप्लीफिकेशन करना रहता, तो हम ये रूल्स लगा कर कैसा बड़ी आसानी से इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा रूल्स को पहले रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि तुम रूल लगा तो दोगे लेकिन तुम्हें याद नहीं आएगा कि एक्चुअल में कौन सा रूल था। ऐसा तुम्हारे साथ ताकि ना हो इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ, तो भाई वो रूल को याद रखने में ताकि तुम्हें थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो जिस तरह से मैं याद रखता हूँ उस तरीके से मैं तुम्हें बता दूँ। जैसे सबसे पहले कुछ बेसिक लॉज होते हैं तुम्हारे पास, है ना, आइडमपोटेंट रहता ना, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक, कम्यूटेटिव, ये बेसिक लॉज है, दीज आर बेसिक लॉज। अच्छा, इसमें आइडमपोटेंट तुम्हारा क्या रहता है, खुद का खुद ही के साथ, ठीक है, विथ सेल्फ, एसोसिएटिव कैसा रहता है तुम्हारे पास, एसोसिएटिव में ब्रैकेट चेंज होते हैं बस, ठीक है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पूरा रहता है या तो यूनियन यूनियन रहता है पूरा, ठीक है, तो तुम कोई सा भी दो इंटरसेक्शन या कोई सा भी दो यूनियन तुम कंसिडर कर सकते हो, ये एसोसिएटिव है, ठीक। तो ऑल इंटरसेक्शंस या फिर रहेगा तुम्हारे पास ऑल यूनियन, ठीक, एंड वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव कैसा रहेगा अपने पास, डिस्ट्रीब्यूटिव तो अपना फेवरेट है, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है तुम्हारे पास, है ना, व्हेन वी आर टू ओपन द ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट्स, है ना। कम्यूटेटिव रहेगा तुम्हारे पास जब सिंपली तुम्हें मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का जब तुम्हें ऑर्डर चेंज करना हो, ऑर्डर चेंज, ठीक, सिंपली ऑर्डर चेंज, ये बेसिक लॉज है। बेसिक लॉज इसीलिए मैं इन्हें बोल रहा हूँ क्योंकि तुम किसी भी मैथ्स की किताब अगर ओपन करते हो तो जैसे 2 + 3 इज 3 + 2, ये कम्यूटेटिव ऑर्डर, ये कम्यूटेटिव है, मतलब जब तुम सिंपली जो ऑपरेशंस हैं उसमें सिंपली जो जिन पर ऑपरेशन किया जा रहा है उनका ऑर्डर चेंज कर देते हो ऐसा, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव माने क्या, जैसे लेट्स से तुम्हारे पास इस तरह कुछ चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसा है तुम्हारे पास, 2.3 + 6 है, ऐसा कुछ लिखा है मान लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट तुम करते हो ना 2 + 2.3 + 2.6 ऐसा,
ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, समझ रहे हो? कम्यूटेटिव मतलब कैसा, कि 2 + 3 इज सेम एज 3 + 2, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव। ठीक, अच्छा। एसोसिएटिव यानी कैसा, एसोसिएटिव में रहेगा तुम्हारे पास सिंपली, अगर तुम्हारे पास इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है या फिर यूनियन यूनियन है, तो उसमें तुम ब्रैकेट का ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि एसोसिएटिव मतलब होता है ऐसा कुछ, 2 + 3 + 6 है अगर लेट्स से, तो ये और ये दोनों चीज़ें बराबर ही रहेगी ना, समझ रहे हो बात? ऐसा। अच्छा, आइडमपोटेंट का मतलब क्या, कि भाई खुद का खुदी के साथ अगर तुम यूनियन या फिर इंटरसेक्शन अगर लेते हो, तो उसमें वो तुम्हारा आइडमपोटेंट रहा। जैसे इसका तो खैर आइडमपोटेंट वैसे तो अपन इसको मैंने बेसिक में रख लिया है, लेकिन ये चीज़ अपन बचपन में तो नहीं सीखते हैं जहाँ तक। उसमें तीन ही लॉज रहते हैं ना अपने, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव। ठीक है, आइडमपोटेंट वैसे अपने को तो पता है खैर क्या चीज़ है, लेकिन ऑपरेशन विद सेल्फ, ठीक है, वो चीज़ रहती है आइडमपोटेंट में, ऑपरेशन विद सेल्फ। ठीक है, खैर, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे एसोसिएटिव है, तो अब अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ अगर लिखा है, तो ये तुम इसके बराबर भी इसको लिख सकते हो, इक्वलन टू ऐसा कुछ, है ना? सिमिलरली फॉर यूनियन एज वेल, यूनियन में भी तुम वही चीज़ रख सकते हो अपने। अगर पूरा यूनियन है और पूरा इंटरसेक्शन है, तो ही ऐसा करना। ठीक है, अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो, ध्यान रखना कि मान लेते जैसे ये है तुम्हारे पास, तो ये इसके साथ ऑपरेट होगा ना, एंड देन फिर ये इसके साथ ऑपरेट होगा, ऐसा कुछ। तो पी यूनियन क्यू, इंटरसेक्शन लगाओगे बीच में, पी यूनियन आर, ठीक, ये दोनों इक्वलेंट हैं। अब ये बात ध्यान में रखो कि अगर ये अगर गिवन है तुम्हारे पास, लेट्स से ये चीज़ अगर गिवन है, इफ़ दिस इज़ गिवन, तो यहाँ से यहाँ भी तुम आना चाहिए, मतलब तुम्हें तुम में इतनी स्किल होनी चाहिए, तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस चीज़ को देखकर, ये जो चीज़ है, इस चीज़ को देखकर भी तुम्हें यहाँ से यहाँ मूव करना आना चाहिए, उल्टा। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक अगर मैं क्रिएट करके तुम्हें दिखाऊं, मान लेते हैं मैं कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, एस, ठीक है, और बीच में लगा दो यूनियन, ऐसा कुछ। तो इसका सिंप्लीफिकेशन तुम्हें आना चाहिए, ये कैसा लिखोगे देखो, पी इंटरसेक्शन आर यूनियन एस है ये, तो यहाँ से यहाँ रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ये चीज़ आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला जो लॉ है, ये तुम यहाँ से यहाँ तो लगाना जानते हो बहुत ही अच्छे से, पी इंटरसेक्शन आर, पी इंटरसेक्शन एस, फिर कंबाइंड बाय यूनियन, है ना? इस चीज़ को तुम ऐसे भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि बीच में यहाँ पर कैसा है तुम्हारे पास अलग सिंबल ही होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक, अगर यहाँ पर यूनियन रहता, तब फिर यहाँ पर भी यूनियन आ जाता। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, यही नीचे उतरती है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक, ये वाली जो चीज़ है, ये देखो, ये यहाँ पर है, दिख रहा है ना? ठीक है, अच्छा, खैर। तो एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव, तो मतलब सबसे गरीब लुक्का तुम्हारा लॉ है कम्यूटेटिव वाला, जैसे पी यूनियन क्यू अगर तुम्हारे पास लिखा है, दैट इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन पी, या फिर तुम ऐसा भी देख सकते हो कि पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी, ऐसा भी रख सकते हो। तो सबसे गरीब लुक्का है तुम्हारे पास, और सबसे उससे भी ज़्यादा गरीब है तुम्हारे पास आइडमपोटेंट है, इंटरसेक्शन या फिर यूनियन सेल्फ के साथ। ठीक, तो ऐसा कुछ। आइडमपोटेंट अगर तुम बनाना चाहो,
तो ऐसा कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन विथ वन, नहीं वो सब ऐसे करना खैर ठीक नहीं है, या फिर एडिशन विथ ज़ीरो, उसमें तो तुम्हें सेल्फ अपनी ही चीज़ मिल जाती है ना, है ना, विथ सेल्फ गिव सेल्फ, इसको ऐसे याद रखता हूँ मैं तो, मतलब अपने खुद के साथ ही ये और या फिर एंड वाला ऑपरेशन तुम्हें वही सेम चीज़ देता है। तो खैर ये अपने बेसिक लॉज जो हैं ये तो रिकॉल हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं अपन थोड़े से स्पेशलाइज्ड लॉज की तरफ, कॉम्प्लीमेंट लॉज और कंडीशनल लॉज। ये मैं इसीलिए एक साथ बोल रहा हूँ बिकॉज दोनों की स्टार्टिंग का लेटर एक्चुअल में सी है, तो इस तरह से मैंने याद रखा हुआ है उस चीज़ को, तो सी सी करके वो याद रह जाता है। खैर तो कंडीशनल लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉज उसको देख लेते हैं एक बार। सेट टू जो है रूल्स का, ये सेट वन हो गया तुम्हारे पास बेसिक, ठीक। अच्छा जो सेट टू है, कंडीशनल तो तुम्हें पता है, कॉम्प्लीमेंट कैसा रहेगा ये कंडीशनल तो अपने को खैर आइडिया है, बड़े अच्छे से आइडिया है, और कॉम्प्लीमेंट लॉज रहेंगे अपने पास, है ना। तो कंडीशनल में तुम्हारे पास सिंपली पी इम्प्लाइज क्यू और पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। नॉट पी यूनियन क्यू, ये हो जाता है ऐसा कुछ, ठीक, क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। अच्छा कंडीशनल के बाद ये कौन से वाले रूल्स हैं तुम्हारे पास, इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन, अच्छा जो कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट के साथ जो ऑपरेशंस होते हैं वो रहेंगे तुम्हारे पास ऐसा, ठीक है, ऑपरेशन विथ कॉम्प्लीमेंट्स। विथ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो उसके बाद तो फिर तुम सब कुछ कर लोगे, ये तो पूरी दुनिया है, ये हमेशा ही फॉल्स रहेगा, ठीक। अच्छा कंडीशनल और कॉम्प्लीमेंट हो जाने के बाद तुम आते हो सेट नंबर थ्री में जो कि स्पेशलाइज्ड है थोड़ा, और आता है अपने पास डी मॉर्गन। ठीक, और इसके अलावा है एब्सॉर्प्शन, दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। ये है रूल्स ऑफ निगेशन, और एब्सॉर्प्शन है तुम्हारे पास, इसको एब्सॉर्प्शन को तुम कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कर नहीं पाओगे, समझे, सबसेट वाला जो रूल है। खैर सबसेट वाला तो एक ही पड़ता है, दूसरे वाले को फिर कैसे करोगे। खैर एब्सॉर्प्शन के बारे में कुछ है सच, मतलब उसको रूल तो मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन उसको याद रखने के लिए कैसे, मतलब ये दोनों स्पेशलाइज्ड रूल्स हैं ध्यान रखना, मतलब एक तो तुम्हारा नेगेशन वाला हो गया, दूसरा मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। एब्सॉर्प्शन में मतलब तुम ऐसा समझ के रखो कि भाई तुम्हारे पास एक एक पूरी चीज़ पूरी गायब हो जाएगी, समझे क्या, है ना, खा जाता है एक दूसरे को, मतलब जैसे अगर इस तरह की चीज़ अगर लिखी हुई है पी यूनियन पी इंटरसेक्शन पी क्यू ऐसा, तो इसमें क्यू कैसा एब्जॉर्ब हो जाएगा, समझ रहे हो, इसमें क्यू एब्जॉर्ब हो जाएगा, पी बचेगा बस खाली। और या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक, ये ऐसी अगर चीज़ लिखी है ना तुम्हारे पास तो पी कैसा, सॉरी क्यू जो है वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें जो एक्सप्लेनेशन है इसका, मैं हमेशा कैसा खुद को एक्सप्लेनेशन देते रहता हूँ कभी भी अगर ये रूल लिखता हूँ, तो रूल लिखना तो काफ़ी आसान है, ठीक है, जैसे पी इंटरसेक्शन क्यू अगर तुम देखो तो ये वाला जोन है, और उसका अगर तुम पी के साथ अगर यूनियन अगर करते हो तो वो ये पूरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब पी जो लिखा है वो एकदम ठीक लिखा है। अगर इस रूल का अगर तुम देखो पी यूनियन क्यू, तुम्हारे पास क्या रहेगा ये पूरा, ठीक है, उसको अगर तुम
पी के साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे तो ये बीच वाला जोन आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। पी के साथ अगर तुम इंटरसेक्शन करोगे इस पूरे का, है ना, एक सेकंड, पी यूनियन क्यू है तुम्हारे पास ये पूरा, ठीक है। अच्छा, और पी है अपने पास, हाँ तो ठीक है ना, पी आ रहा है ना, फिर तो पूरा पी आएगा ना, पी अपना आंसर रहेगा, ठीक है। पी इंटरसेक्शन क्यू है, यूनियन पी, हाँ तो फिर तो पूरा पी आएगा, ठीक है ठीक है, सब कुछ ओके। तो इसको सिंपल से वेन डायग्राम्स बनाकर कैसा कंसिडर तुम करो अगर, तो ये एक ऐसा ईट्स अवे अ वेरिएबल, ठीक है। ना अल्टरनेट एंड और रहता है इसमें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तो ये कुछ खास तरह के लॉज हैं। अब डी मॉर्गन्स लॉज तो सभी जानते हैं, इसका अगर तुमको नेगेशन अगर लेना है तो कैसे करोगे, नॉट पी उसको पलट देना, फिर अगर और है तो एंड कर देना, और अगर एंड है तो और कर देना, इस तरह से तुम करते हो, ठीक है, नेगेशन रूल्स। एंड है यहाँ पर तो कर दो बीच में और ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अपना रिवीजन हो गया। इसमें देखो कितने तरह के रूल्स हुए, पहले चार, फिर बाद में और चार हुए हैं, तो छूट गए क्या अपने, कौन सा छोड़ा है हम लोगों ने, ठीक, आइडेंटिटी और इन्वॉल्यूशन छूट गया अपने से। ये एक और सेट रहेगा तुम्हारे पास, आइडेंटिटी और इन्वॉल्यूशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉज में तुम्हारे पास ट्रू और फॉल्स के साथ ऑपरेशंस आती हैं, और इन्वोल्यूशन में तुम्हारे पास वो नेगेशन ऑफ नेगेशन वाली चीज़ आती है, ठीक, और नेगेशन ऑफ ट्रू, नेगेशन ऑफ फॉल्स, ये सारी चीज़ आती है। आइडेंटिटी लॉज में इसको याद कैसे रखोगे, ऑपरेशन विथ, ट्रू फॉल्स, ठीक। अच्छा, और इन्वोल्यूशन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या रहेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, या फिर ऑल्सो नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉज में जैसे अगर पी के साथ और है एंड है, तो ट्रू वाला देखो कैसा है तुम्हारे पास, या तो ट्रू रहेगा या तो स्टेटमेंट इटसेल्फ रहेगा, ऐसा समझ गए, करके देख लेना। और जहाँ तक बात रही फॉल्स वाले के साथ, ठीक है, तो फॉल्स वाले के साथ देखो ये तो फॉल्स हो जाता है, और इसमें तुम्हारे पास पी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक, ऐसा। ये है आइडेंटिटी लॉज, इसको एक्सप्लेन मैं पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक। अच्छा, तो ये अपना रिविजन सा हो जाता है। अच्छा देखो, यहाँ पर नेगेशन ऑफ नेगेशन तुम्हें स्टेटमेंट इटसेल्फ देता है, और इसके अलावा नेगेशन ऑफ ट्रू तुम्हें देता है फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स तुम्हें देता है ट्रू, ठीक। अच्छा, अभी क्या है, रूल्स तो हम लोग लगा लेते हैं बड़ी आसानी से, बट एक ही चीज़ है, उसमें हमें नियमों का जो नाम है वो याद रखना थोड़ा सा कठिन रहता है। तो उसमें अक्सर एक इंसान कैसा थोड़ा कन्फ्यूज़ आया हुआ रहता है। अब अगर एक बार मेरे साथ अगर रिकॉल कर लो, है ना, रिवाइज अगर कर ले, तो बेसिक लॉज कौन कौन से हो गए अपने पास, आइडम पोटेंट, ठीक है, फिर क्या हो गया, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, और कम्यूटेटिव,
ठीक है, ये पहला सेट ऑफ रूल्स। दूसरे सेट ऑफ रूल्स क्या होगा तुम्हारे पास, थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड अगर हम लोग जाएं, है ना, तो अपने को मिलता है कंडीशनल, है ना, और कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसके बाद आता है अपने पास डी मॉर्गन। डी मॉर्गन के साथ आता है अपने पास एब्सॉर्प्शन। इसके अलावा अपने पास बचता है इनवॉलेंट्री, आइडम्पोटेंट तो हो गया, आइडेंटिटी। ये बेसिकली अपने पास 10 रूल्स हैं, ठीक है। आइडम्पोटेंट कैसा हो गया, खुद का खुद ही के साथ, यूनियन इंटरसेक्शन, है ना, सेल्फ वाला। असोसिएटिव, असोसिएटिव तुम्हारे पास होता है ब्रैकेट्स का चेंज करना, जब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन या फिर यूनियन हो। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया तुम्हारे पास, वो तो खैर सबको पता ही है यार, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ब्रैकेट ओपन करना सिंपली, ठीक है। अच्छा, कम्यूटेटिव का मतलब हो गया ऑर्डर चेंज कर देना, ठीक, मतलब पी यूनियन क्यू है तो वो सेम किसके बराबर रहेगा, क्यू यूनियन पी के बराबर रहेगा। कंडीशनल सबको पता है। कॉम्प्लीमेंट लॉज ये थोड़ा खास है, मतलब यूनियन या फिर इंटरसेक्शन लेना खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा डी मॉर्गन सबको पता है रूल्स ऑफ नेगेशन, एब्सॉर्प्शन भी सबको पता है। एब्सॉर्प्शन के बारे में एक खास बात, वो चीज़ नोट करके मैं लिखवा दूँ तुम्हें। एब्सॉर्प्शन में जैसे अगर ये चीज़ लिखी है ना तुम्हारे पास, ठीक है, तो इसको अगर तुमने वाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर ओपन किया तो ये तुम वहीं पहुंच जाओगे, मतलब वो और एंड हो जाएगा, एंड और हो जाएगा। देखो कैसे, पी यूनियन क्यू, और बीच में कैसा है तुम्हारे पास इंटरसेक्शन, तो ये चीज़ देखो ऐसी हो जाती है, समझे। तो ये दोनों आपस में इक्वलेंट हैं, ठीक है, दीज आर इक्वलेंट। बट इससे तुम जो एब्सॉर्प्शन लॉ है वो नहीं निकाल पाओ, एब्सॉर्प्शन लॉ कांट बी डिराइव्ड, ठीक है। कांट बी डिराइव्ड यूजिंग क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये ध्यान में रखना, है ना। जाहिर सी बात है ट्रूथ टेबल से तुम चेक तो कर सकते हो, बट ट्रूथ टेबल से तुम सिर्फ वैलिडिटी चेक कर सकते हो, है ना, ये बात भी ध्यान में रखना। ट्रूथ टेबल कैन ओनली चेक द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, ओनली यूज फॉर चेकिंग पर्पस। ठीक, कभी भी तुम उससे आरएचएस नहीं निकाल सकते, ठीक। आर एच एस कांट बी ऑब्टेन्ड इफ इट इज नॉट गिवन, ये कहने का मेरा मतलब है। अच्छा, एब्सॉर्प्शन हो जाता है इनवॉलेंट्री और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में तो तुम्हारे पास ट्रू और फॉल्स के साथ ऑपरेशन रहता है, इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री इन्वॉल्यूशन रहता है ना, इनवॉलेंट्री इन्वॉल्यूशन रहता है, ठीक है। तो इन्वॉल्यूशन मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन वाली चीज़, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया देखो सेल्फ, है ना, एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट्स चेंज, है ना, मतलब ओनली इंटरसेक्शन ओनली यूनियन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ब्रैकेट ओपनिंग। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर, ठीक।
कंडीशनल सबको पता है, वो तो खैर जान दो। कॉम्प्लीमेंट में तुम्हारे पास ऑपरेशन, मतलब ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेशन विथ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, ठीक। डी मॉर्गन सबको पता है, रूल्स ऑफ नेगेशन है ना। अच्छा, एब्सॉर्प्शन वो पता ही है सबको। इन्वोल्यूशन लॉज और आइडेंटिटी लॉज, तो आइडेंटिटी में तुम्हारे पास इन्वोल्यूशन मतलब आ जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन, और आइडेंटिटी में तुम्हारे पास आएगा, आइडेंटिटी में क्या, आइडेंटिटी में आता है अपने पास ट्रू फॉल्स के साथ ऑपरेशन। यार ट्रू फॉल्स के साथ ऑपरेशन, ठीक है, भूलना मत। ट्रू फॉल्स है ना, ठीक, ऑपरेशन विद ट्रू फॉल्स है ना, ऑपरेशन विद ट्रू फॉल्स, हटा देता है इसको, विद ट्रू फॉल्स, ठीक। अच्छा, इन सारी नॉलेज के साथ सवाल सॉल्व करते हैं एक एक करके, और फिर बाद में देख लेंगे कि कौन सा रूल क्या था, ठीक है क्या। मतलब एक एक स्टेप मैं करता जाऊंगा पहले, उसके बाद फिर तुम्हें बता दूंगा कि कौन कौन से रूल्स कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो बीच बीच में रूल्स लिखने में साला ध्यान भटकता है फिर, ठीक है। खैर, 1 मिनट रुकोगे। खैर, तो सवाल हमारे सामने कुछ इस प्रकार हैं। विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल्स शो दैट, पहला है, मतलब जाहिर सी बात है यूजिंग रूल्स ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है, हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। पी एंड आर एच एस दिया हुआ है, इसीलिए उसने कहा कि ट्रुथ टेबल का बिना प्रयोग किए आप करिए ऐसा, ठीक है। सवालों को थोड़ा नोट डाउन कर लें। अच्छा, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं है, मामला कुछ ऐसा है। ये चीज़ साबित करनी है, ठीक। अच्छा, पहला वाला तो देखो ऐसे ही चंपक सवाल है, 1 नंबर का। देखो
इसमें तो अगर मैं LHS अगर लिखता हूँ P इंटरसेक्शन, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे ही मैं ओपन करूँगा ये चीज़ क्या हो जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक, बीच में कौन सा सिंबल लगाओगे, ये वाला, ध्यान रखना। इस तरह से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। अभी ये कौन सा रूल लगाया हम लोगों ने, अच्छा खैर रूल्स को हम लोग बाद में लिखेंगे। ये हो जाता है तुम्हारे पास फॉल्स, फॉल्स के साथ यूनियन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कुछ। और फिर बस हो गया ये। तो यहाँ देखो सबसे पहले अपन ने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नेक्स्ट हम लोगों ने लगाया है कॉम्प्लीमेंट के साथ। जब भी तुम कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ट्रू या फॉल्स के साथ जब भी तुम ऑपरेशन करोगे, है ना, ये ध्यान रखना, ऑपरेशन विद कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, विद कॉम्प्लीमेंट्स, इनफैक्ट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट लॉ रहेगा। अच्छा, अभी ट्रू या फॉल्स के साथ जब कभी भी तुम कोई ऑपरेशन करोगे तो वो रहेगा आइडेंटिटी लॉ। ठीक, बस ये चीज़ तुम्हारे पास RHS आ जाती है, हेंस प्रूफ। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं दूसरे सवाल पर। देखो इस चीज़ को बड़े घूर घूर का देखो, दिस इज रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिख रहा है? तो अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मेरा तुम्हें पूरा रिवीजन कराना बेकार गया है। एनीवेज, तो इसको देखो मैं कैसा लिख सकता हूँ, ये एक्चुअल में है क्यू, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, नोटिस दैट क्यू इज रिपीटेड। ठीक, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तुमने अगर ये देख लिया कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है तो बस उसके साथ फिर लिखना शुरू कर दो। तो जो LHS है उसको देखो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ क्यू, और फिर उसके साथ देखो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बार बार आ रहा है, तो किस किस के साथ आ रहा है, पी के साथ और नॉट पी के साथ, और बीच में जो सिंबल है वो यूनियन का, ऐसा। वापस से ओपन करके वापस चेक कर लो कि जो तुमने लिखा हो ठीक है नहीं। क्यू इंटरसेक्शन पी, ये चीज़ क्या देगी, देखो क्यू इंटरसेक्शन पी देगा, क्यू इंटरसेक्शन नॉट पी देगा, और दोनों काहे से कनेक्टेड रहेंगे, यूनियन से, समझ गए। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान। और यही चीज़ देखो ऊपर भी है, यही चीज़ ऊपर भी है, ठीक, तो एकदम सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके बाद देखो क्या है, ये पूरा एक है, ध्यान रखोगे उसका यूनियन है तुम्हारे पास इसके साथ, नॉट क्यू एंड आर, ऐसा। ठीक, ये मैंने कौन सा रूल लगाया, ऐसा मत लिख देना रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। ठीक, अच्छा इसके बाद कभी भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट के साथ जब कभी भी ऑपरेशन करते हैं तो वो रहता है, ये तो हो गया पूरी दुनिया। ठीक, पहले पूरा कर लेते हैं, वन डॉट एनी थिंग इज दैट थिंग ओनली, ब्रैकेट ओपन करो सट्टा सट्टे, क्या आ जाएगा, ये हो गया पूरी दुनिया, और ये चीज आ जाती है ऐसी। ठीक, क्यू एंड आर, अब ये क्या हो गया, यूनियन, अच्छा सॉरी सिंबल उलट दिया था मैंने। अभी रूल्स लिख लेते हैं, पहले सबसे पहले तो तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक है, उसके बाद
ट्रू के साथ ऑपरेशन कर रहे हो, ट्रू फॉल्स के साथ जब कभी भी तुम ऑपरेशन करोगे वो रहेगा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रू फॉल्स के ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के वही वापस से ब्रैकेट ओपन किए हैं और कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के साथ जब भी तुम ऑपरेशन करोगे तो वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, उसके बाद ट्रू फॉल्स के साथ जब भी तुम ऑपरेशन करोगे वो रहेगा आइडेंटिटी लॉ। ठीक, और फिर उसके बाद तो ये चीज़ तुम्हारे पास होगी RHS इंस्प्रूट। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम मेरे ख्याल में रूल्स ऑफ एल्जेब्रा लगाने में सक्षम रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक सवाल मैं और करके तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ सवाल तुम्हारे लिए भी छोड़ दूँगा करने के लिए। तो सवाल कुछ यूँ है, अगेन वही सेम, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल्स प्रूव दैट, ये काफी फेमस सवाल है एक्चुअल में, बाई कंडीशनल ही है। पी एंड क्यू और नॉट पी नॉट क्यू के साथ फिर यूनियन, ऐसा कुछ, समझ रही है? तो LHS से शुरू करें, ठीक है। ये तो रहा अपना कंडीशनल, है ना। ठीक, अच्छा अभी देखो यहां पर दुविधा फंसती भी दिखाई दे रही है। तो फंस जाओ यार अभी, और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो इस चीज़ को, अनलेस अंटिल कुछ नॉट पी वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ रहे तो अपने पास रिपीट भी तो कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा देखो, इसको एक ही तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। देखो अभी तक ये रूल वैसे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, अच्छा है ये सवाल आ गया हम लोगों के सामने, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो अब ज़रा ध्यान से, इस चीज़ का मतलब क्या है? अगर कभी तुम्हारे सामने इस तरह की कोई चीज़ आती है, लेट से ए ऐसा कुछ लिखा हुआ अगर आता है, सी डी ऐसा ऐसा कुछ कभी मान लेते, लेट से अगर लिखा हुआ अगर आया है, तो इसका मतलब है ए को पहले सी इसके साथ ऑपरेट करना है, ठीक, इस ब्रैकेट के साथ। जैसे अगर तुम, मैं थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा मान लेते हैं इसको, जैसे इसको ये जो सी यूनियन डी जो मेरे पास लिखा था, इसको लेट से मैं थोड़ी देर के लिए ई मान लेता हूँ अगर, ठीक है, लेट इसको मान लेते हैं, कंसिडर करो थोड़ी देर के लिए ई ऐसा, तो फिर ये उसके बाद तो फिर तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो ना,
वो चीज़ मैं तुम्हें करके अगर दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ। और फिर ये चीज़ इसी के बराबर है ना, ये लिखने की आदत है ना तुम्हारी, ऐसा ठीक। इसको फिर ई ऐसा कर लो, ऐसे ही लिखने की आदत है ना ये वाली, बस हो गया। फिर तो ये चीज़ देखो अंत में कैसी दिख रही है। ई क्या है, सी यूनियन डी, समझ गए बात। ये चीज़ है यूनियन, ई क्या है, सी यूनियन डी, ऐसा कुछ ठीक है। ठीक है तो ये आ रहा है भाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद तो फिर तुम एक्सपांड होगा, फिर अपना अपने हिसाब से करते रहना। खैर तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं कलेक्टिवली लिख रहा हूँ इस चीज़ को। ये जो पूरा मसाला है इसको पहले इसके साथ ठोको एंड देन फिर इसके साथ ठोको, ऐसा। क्या यूज़ करोगे, इंटरसेक्शन एंड, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखते हुए अपने को अपना काम करना है, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ठीक। कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ ये कैसा आ जाएगा, नॉट पी और क्यू, इसको इंटरसेक्शन लो तुम किसके साथ, नॉट क्यू के साथ, ऐसा ठीक। अच्छा ये एक हो गया, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई वही नॉट पी यूनियन क्यू, इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग पी के साथ। अब दोनों को कहाँ से कनेक्ट करेंगे, और ये कौन सा वाला और है, ये देखो ये वाला और ठीक, ये वाला और अब ठीक आया ठीक। अब उसके बाद फिर अंदर की सिंप्लीफिकेशन जारी रखते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, नॉट की नॉट क्यू, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, नॉट क्यू, फिर हो जाएगा नॉट क्यू एंड क्यू, ऐसा बीच में आ गया यूनियन। ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ऐसा समझे। फिर उसके बाद लगाओ यूनियन ठीक। अब उसके बाद पी के साथ करना है अपने को, पी इंटरसेक्शन नॉट पी, पी इंटरसेक्शन क्यू, बीच में क्या आएगा तुम्हारे पास, एंड सॉरी और, क्यों और आया वो भी बता दो तुम्हें। देखो ये वाला जो और है ये देखो ये रहा, ये समझ गए। अब देखो ये वाला जो और है वो रहा तुम्हारे पास ये, ऐसा अच्छे से एरोस बना बना के बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरीके से लगाया गया है ठीक है, ताकि किसी भी किस्म के कोई कन्फ्यूजन का कहीं कोई स्कोप ही ना रहे, ऐसा ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में तुम क्या लिख सकते हो, नॉट क्यू एंड नॉट पी यूनियन। अभी देखो क्यू का डॉट अगर तुम नॉट क्यू के साथ करोगे तो फॉल्स ही मिलेगा ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। और अंदर देखो ये अगेन हो गया फॉल्स यूनियन, ऐसा फॉल्स का प्लस अगर तुम करते हो किसी भी चीज़ के साथ तो वही चीज़ मिलेगी तुम्हें ठीक, यूनियन वही पी एंड क्यू, और यही चीज़ अपने को चाहिए भी थी RHS में ठीक। तो बस अपना सवाल टू यहीं पर हो जाता है, क्या बोलते हैं ठीक है। अच्छा अभी जहाँ तक रूल्स की बात है मैं तुम्हें बता देता हूँ वर्बली, ये इसके बाद तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज़ किया है ठीक। तो यहाँ पर तुम लिख लोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है ना, ये चीज़ क्या हो गई, ये अपन ने लगाया कंडीशनल लॉ ठीक है, ये यहाँ पर अपन ने लगाया कंडीशनल,
ठीक है, कंडीशनल लॉ। अच्छा, उसके बाद अपन ने ये जो टू है ये क्या है, ये थ्री है, ठीक, ये फोर हो गया, तो ये फाइव हो गया, बस पांच तक है अपने पास। ठीक, तो टू में अपन ने क्या लगाया है, टू इज़ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर थ्री में क्या लगाया हम लोगों ने, टू में लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पीडीएफ तो रहेगा ही तुम्हारे पास है ना, पीडीएफ तो रहने ही वाला है, तो उसमें तो देख ही लोगे। अच्छा, थ्री में भी क्या लगाया, थ्री भी लगाया तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाया है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ में क्या लगाया अपन ने, कॉम्प्लीमेंट के साथ जब कभी भी तुम्हारा एंड या फिर और होता है तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबर पांच पे ट्रू फॉल्स के साथ जब कभी भी होता है अपना ऑपरेशन तो हो गया आइडेंटिटी लॉ। अच्छा, इनवॉलेंट्री लॉ किसको बोलते हैं, इनवॉलेंट्री लॉ और आइडेंटिटी लॉ क्या फ़र्क है दोनों में, इनवॉलेंट्री बोलता हूँ, इन्वॉल्यूशन लॉस, इन्वॉल्यूशन इज नेगेशन ऑफ नेगेशन। ठीक है, ध्यान रखो, आइडेंटिटी हो गया ट्रू फॉल्स के साथ है ना, ऑपरेशन विद ट्रू फॉल्स। ठीक, तो ये सवाल भी इस प्रकार हो जाता है तुम्हारे पास। अच्छा, इसके बाद आता है कुछ होमवर्क वाले सवाल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, इसी के जैसे हैं, कर लेना भाई। ठीक है, लॉज वगैरह लिखते हुए पूरा प्रॉपर बकायदा अच्छे से कर लियो, लेकिन ठीक है। ठीक है, तो पहला है तुम्हारे पास पी एंड क्यू, नॉट पी एंड क्यू, पी एंड नॉट क्यू, ये हो गया तुम्हारे पास पी और क्यू। ठीक है, नॉट पी और क्यू के साथ एंड, ठीक है, सवालों को एक बार मुझे चेक कर लेने दो, कैसा गलत सवाल अगर तुम सॉल्व करोगे तो उससे ज़्यादा दिमाग ख़राब और किसी चीज़ में नहीं होता। ठीक है, पहला सवाल तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, तीसरा जहाँ तक मुझे लगता है करने में तुम्हें मज़ा आएगी। ठीक है, देन तो ये सारे सवाल तुम करके सबमिट करना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग रूल्स ऑफ नेगेशन देखेंगे। रूल्स ऑफ नेगेशन के पहले क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स देख लेंगे, है ना, तो क्वांटिफायर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स देखने के बाद फिर तुम रूल्स ऑफ नेगेशन देखोगे। रूल्स ऑफ नेगेशन तो वैसे तुम्हें पता ही है, लेकिन जब कभी इंग्लिश वाले जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स रहते हैं उसके साथ कैसे उनका नेगेशंस लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें, फिर वो कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है,
ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें बचती हैं, उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, अभी इसको ओवर करते हैं हम लोग। ओके।